लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे ही रोहित शर्मा उसके सामने आता है मेरे को लगता है कि ट्रेविस हेड के अंदर का वो बल्लेबाज जाग जाता है, उससे पहले नहीं जागा होता। क्योंकि आप पर्थ टेस्ट मैच में भी देखें, पहली इनिंग में ट्रेविस हेड ने कुछ नहीं करा था, आउट हो गया था, है ना, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। लेकिन सेकंड इनिंग में जैसे ही रोहित शर्मा पहुंच गए थे उस दिन, रोहित शर्मा पर्थ में पहुंच गया था और रोहित शर्मा को देखते उसके अंदर की आत्मा आ गई भाई, 80 प्लस स्कोर कर दिया था भाई ने, याद है ना। और आज देखो, आज तो मैच में ही है, तो आज तो ग्राउंड में ही देखने को मिल रहा है, तब तो ड्रेसिंग रूम में वो दूर से देखने को मिल रहा था, आज एकदम पास से ही देखने को मिल रहा था। तो कह रहा था भाई एक एक चौके लगाऊंगा, और चौके तो भाई वो जो स्लैश करता है ना, मतलब कट शॉट उसके स्क्वायर में जो शॉट जाते हैं वो तो देखने हो, सबसे ज़्यादा रन वहीं बटोरेगा वो, और वो वाले शॉट्स तो देख के मजा आता है। बेशक वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेल रहा है, लेकिन वो जो कट शॉट उसके भाई ट्रेविस हेड के A1 ए क्लास, बहुत अच्छे शॉट। लेकिन हमारे खिलाफ नहीं भाई, किसी और टीम के खिलाफ मार ली हो, इंडिया के खिलाफ ये एडिलेड में भाई ये मैच जीतना है, वो 36 ऑल आउट का बदला हमें लेना है भाई, है ना। तो वो आउट होना जरूरी है यहाँ पे। पीछे रोहित शर्मा मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो अंदर से अभी क्या क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि ये जल्दी से जल्दी ट्रेविस हेड आउट हो, नहीं तो ये रोहित शर्मा के ऊपर और सवाल पे सवाल बनते जाएंगे भाई। एक तो बैटिंग में परफॉर्मेंस आई नहीं है, और फिर कप्तानी में भी अगर ये मुकाबला हार जाते हैं गलती से, है ना, गलती से अगर ये मुकाबले में टीम इंडिया हार गई भाई, रोहित शर्मा की लेनी की देनी कर देनी है सबने, मतलब रोहित शर्मा की लेनी की देनी हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि पहला मैच पर्थ में 150 रनों पे ऑल आउट होने के बाद टीम इंडिया जीती है बुमराह की कप्तानी में भाई, और यहाँ पे 180 रन बनाए हैं, हालांकि बनने चाहिए थे 350 रन के आसपास, 250 से ऊपर रन बनने चाहिए थे यहाँ पे इस विकेट पे, लेकिन वो बने नहीं। अब बल्लेबाजों का फेलियर रहा है, क्योंकि इसी विकेट पे नितीश रेड्डी ने भी बैटिंग करी भाई, उसने भी दिखाया। अब मेरा मानना है कि रोहित शर्मा को ओपन ही करना चाहिए भाई, रोहित शर्मा को ओपन ही करना चाहिए,